यार सिट्रोएन वालों को तो बुरे दिन चल ही रहे थे और फिर आज इनका क्रैश टेस्ट हो गया इनका मतलब सिट्रोएन EC3 का। आप देखो सिट्रोएन E3 और सिट्रोएन C3 में दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों गाड़ियां सेम ही है, बस एक IC इंजन मीन्स इंटरनल कंबर्शन वाली गाड़ी है और एक इलेक्ट्रिक इंजन वाली गाड़ी है। तो भाई इसका जो क्रैश टेस्ट का रेटिंग आया है देख के आपके दिल में भी मतलब लिटरली थोड़ा धक-धक हो जाएगा। तो अगर एग्जैक्ट रेटिंग की बात करें तो इसने स्कोर किया है 0 स्टार, बिल्कुल ठीक सुना। सिट्रोएन EC3 जिसकी एक्चुअल प्राइस ही 11,60,000 है। अब देखो 11.5 लाख मोटा मोटी की गाड़ी और 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती भाई। अगर एग्जैक्ट नंबर्स में जाके बात करें तो 20.86 एडल्ट रेटिंग और चाइल्ड रेटिंग में 10.55। चाइल्ड रेटिंग में इसने 1 स्टार की रेटिंग स्कोर की है। अगर इसके इंटरनल कंबर्शन वाले इंजन की बात करें जो कि सिट्रोएन C3 होगी उसकी एक्चुअल प्राइस 6.16 लाख है जो कि ऑल्टो के सेगमेंट में आने वाली गाड़ी है। इनफैक्ट ऑल्टो से 1 लाख रुपए महंगी है। इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ऑल्टो एक ऐसी गाड़ी है जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की शुरुआत करती है, मतलब अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो ऑल्टो पहली गाड़ी होगी जो सबसे सस्ती गाड़ी होगी। उसका LXi वेरिएंट जो कि वेज वेरिएंट होता है उसका प्राइस ही आपको 4.83 लाख का पड़ता है, उससे लगभग 1.5-2 लाख रुपए ये सिट्रोएन C3 महंगी पड़ती है। ये एक फ्रेंच ब्रांड है जबकि मारुति एक इंडियन ब्रांड है। ऑल्टो ने तो इनफैक्ट 2 स्टार की रेटिंग भी स्कोर की, इसने तो 0 स्टार की रेटिंग स्कोर करके बिल्कुल मूड खराब कर दिया। तो सिट्रोएन वालों से तो बस एक ही आशा है कि थोड़ी सी स्टार रेटिंग में इम्प्रूवमेंट करें। और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ABS CVT डुअल एयरबैग्स ये सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते थे। तो आपका सिट्रोएन के ऊपर क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताना, मैं जानने में बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ।